बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आर्टर फोर विद फैसल मिर्ज़ा। मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आप हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें हमें प्यार दे रहे हैं, हम अपनी रिकमेंडेशन हमें भेज रहे हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा आपके लिए मार्केट में एक काम कर सकेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी फीडबैक और अपडेट्स और आपके लिए न्यूज़ आयरलैंड की मार्केट से निकाल कर ला सकेंगे आप के लिए। आज वीकेंड पे मेरे पास दो किस्म के अपडेट्स हैं, एक तो नॉन ईयू नेशनल्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में, और दूसरे नंबर पे अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम के ऊपर जो जूम मीटिंग होने जा रही है MRCAI और पाकिस्तान एम्बेसी के दरमियान उसके बारे में। तो सबसे पहले अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक तकरीबन 6,000 लोगों ने इसके जो एप्लीकेशन हैं वो फाइल किए हैं। इसमें बड़ी तादाद में लोगों को अभी तक उनके वीज़ा नहीं आए, लेकिन एक जो बड़ी तादाद में लोगों के पास जो वेटिंग के इश्यूज हैं या ये जो मामला चल रहे हैं उनके डिले के, उसी को लेते हुए पाकिस्तान एम्बेसी और MRCAI का ये इवेंट होने जा रहा है। और अनडॉक्यूमेंटेड लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि वो इसके अंदर आएं, इसके अंदर हिस्सा लें, इसे अप्लाई करें, या फिर अगर उन्हें लगता है कि अब वो किसी ना किसी तरीके से इंटाइटल्ड हैं इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के और वो नहीं कर पा रहे, शायद कुछ 19-20 का फ़र्क है, तो वो ज़रूर इस मीटिंग का हिस्सा बने और अपनी रिकमेंडेशंस भेजें। एक और क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने किया है इसी हवाले से कि क्या इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नुमाइंदगान भी बैठेंगे। तो नहीं, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कोई नुमाइंदा नहीं बैठेगा, लेकिन MRCAI के पास फुली अथॉरिटी होगी कि जो भी उन्हें रिकमेंडेशन दिए जाएंगे वो उसे ऑन बोर्ड लेंगे और वो आगे तक पहुंचाएंगे और फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल किया जाएगा और शायद इस स्कीम के अंदर मज़ीद नरमी कर दी जाए। 31 जुलाई तक इसकी डेट है, शायद वो भी शायद बढ़ा दी जाए, लेकिन इस टोटली डिपेंड कि किस तरीके से लोग इसे लेते हैं, इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और उन्हें अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए भी। तो प्लीज़ ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जो ऑफ द रिकॉर्ड मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं, आई हैव अ फीलिंग के इन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा। कुछ पॉजिटिव केसेस भी सामने आए हैं, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक अच्छे तरीके से अपना केस बनाते हैं, सोलिसिटर्स के ज़रिए अगर आते हैं या जो भी अपनी कैंपेन ये रन कर रहे हैं उसमें मज़ीद थोड़ा सा एक पुश का एक जो एलिमेंट है अगर वो ले के आते हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ आसानियाँ सामने आएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।